नमस्कार साथियों, भारत में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप सबको पता ही होगा कोविड के आंकड़े भयंकर वाले बढ़ने लग गए। जो आंकड़े रोज के 10 से 12 हजार आ रहे थे, आज अगर देखा जाए 27-28 मार्च की बात करें 40 हजार से ऊपर आ रहे हैं, तो 4 गुना बढ़ गए ना। तो ये कहीं ना कहीं डराने वाले आंकड़े हैं। ये मान के चलिए भाई कि ये आंकड़े बढ़ेंगे ना, तो जो देश है, दूसरे देश जहां पे आप जाना चाहते हैं, वो आपके लिए यूं थे ना, वो यूं होते जाएंगे। समझ रहे हो बात को? आपके ऊपर कंट्रोल करते जाएंगे वो, क्योंकि इंडिया को वैसे भी ग्रीन लिस्ट में तो डाला नहीं है किसी भी देश ने। इंडिया तो वैसे भी रेड लिस्ट में चल रहा है और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो डीजीसीए जो भारत सरकार का, जो बता दूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, जी हाँ, कुछ सख्त नियम घोषणा की। सख्त यानी सख्त वाले सख्त नियम। जी हाँ, अगर नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको आपकी बैंड बजा दी जाएगी, ये समझ लो आप। अब इसमें सब कुछ आ जाता है। अब हम डिटेल से कुछ और भी बात करेंगे भी, सिविल एविएशन ने क्या बोला है, डीजीसीए ने। एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप जाते हो, फ्लाइट में भी बैठते हो, तो कुछ ऐसी वैसी हरकत करोगे आपको प्लेन से उतार दिया जाएगा। अब आपको ये भाई कमेंट मत कर देना नीचे कि आसमान में प्लेन से कैसे नीचे उतार दिए जाओगे। जी हाँ, उसका भी उपाय हम बताएंगे कि कैसे उतार दिए जाएंगे। कुछ उन्होंने अपनी तरीके से कुछ शर्तें बताई हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रख लेना चाहिए भाई। 7-8 शर्तें हैं आपको। हालांकि शर्तें को ये नहीं है कि आपको सर के ऊपर 100 किलो का वजन लेके बैठना है, ऐसी कोई शर्तें नहीं है। जो वार्निंग है, जो कंडीशन है, वो आपके भले के लिए है। अपने को इसमें बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। देखिए, एयर ट्रेवल्स करने वाले कुछ यात्रियों को ध्यान रखना होगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मास्क। आपका मास्क आपने देखा होगा, मेरे ऊपर भी लागू होता है मास्क, यहाँ लगना चाहिए। अपन यहाँ लगा के रखते हैं, मजबूरी होती है तो एक हाथ से यूं कर लेते हैं। आपने सर ने ये कर दिया, ये आदत है ना, मजबूरी है, अपनी मजबूरी हो गई, क्योंकि नाक पे नहीं रख सकते, इसको यूं कर लेते हैं, जरूरत होती है तो यूं कर लेते हैं। मास्क को ठीक से पहनना पड़ेगा। मास्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इसको बार बार कोई अधिकारी देख लेगा, टोकने के बावजूद भी अगर इसको आप सही नहीं लगाया, तो आपको नीचे उतार दिया जाएगा फ्लाइट से। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की आपको वार्निंग दी जाएगी। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने पर आपको टोका जाएगा, रोका जाएगा। बार बार भी अगर आप नहीं मानोगे तो उपद्रवी यात्री बता के आपको बैन कर दिया जाएगा फ्लाइट से, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इंपोर्टेंट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो आराम से। जी हाँ, नई दिल्ली अगर बात करें कोविड महामारी के बीच, हवाई यात्रा करने वालों को पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर यात्री के खिलाफ डायरेक्ट जनरल ऑफ एविएशन डीजीसीए ने सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। जी हाँ, अपने एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक हर आदमी को मास्क लगाना पड़ेगा। इसके अलावा हवाई यात्रा अगर आप कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो प्लेन से उतार दिया जाएगा आपको। जी हाँ, डीजीसीए ने आगे ये भी बताया कि अगर कोई यात्री बार बार नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे उपद्रवी यात्री घोषित कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा इंग्लैंड से एक फ्लाइट आ रही थी इंडिया, और कोई बीच में एक देश में कौन सा देश था, वहां पे कुछ घंटे का स्टॉप था। इंडियन बंदे ने अपनी एकड़ी दिखा दी तो फ्लाइट ने वहीं उतार दिया, उसको लेके नहीं आई। समझ गए, ये हकीकत है, न्यूज में भी आई हुई बातें, आप सबको पता होना चाहिए। तो भाई आपको भी उपद्रवी यात्री घोषित कर दिया जाएगा, तो मतलब 6 महीने साल भर के लिए बैन भी किया जा सकता है आपकी हवाई यात्रा। एयरपोर्ट पे आप एंट्री करोगे तो भाई साफ साफ जो सीआईएसएफ के जो अधिकारी पुलिस कर्मचारी लगे होते हैं ना, वो आपके ऊपर निगरानी करेंगे पूरी की पूरी। कोई बिना मास्क अंदर नहीं जाए, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, सैनिटाइज वगैरह, पूरा ध्यान उनको बोलने के लिए बोला गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर और टर्मिनल मैनेजर वगैरह जो भी उनका स्टाफ है, वो पूरी निगरानी करेंगे कि हर समय को हर आदमी मास्क लगा के रखे। यूं नहीं बार बार यूं कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैमरों के माध्यम से भी आपके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, आपको इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए। आपको अगर बार बार आप कोई भी यात्री कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है, तो उसे चेतावनी देने के बाद में, पहले चेतावनी देंगी, फिर भी अगर वो नाटक करता है, अपने हाथों से बात नहीं आता, तो उसको सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया जाएगा। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, इस बात का ध्यान रख लेना भाई। एक्शन लिया जा सकता है, बाकायदा ये साफ साफ बोला गया है। डिपार्चर से पहले प्लेन में बैठा अगर कोई यात्री चेतावनी के बाद भी ठीक से मास्क नहीं पहनता, तो उसे उतार दिया जाना चाहिए, ये भी तय बात है। बार बार मास्क पहनने से या इनकार करता है, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ उपद्रवी यात्री प्लस कानूनी कार्रवाई की जाए। बस ये अपडेट आप लोगों को देना था भाई, ध्यान रखें, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। मास्क लगा के रखें, थोड़ा दूर बैठे, सैनिटाइज करते रहिए, इसमें आपका ही भला है।
दूसरे का किसी का नुकसान नहीं है। तो बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।